अमेरिकी रिसर्च ने जहां मोदी जी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया, साथ ही ये भी बताया कि इनके आने के बाद आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सरकार सबल हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि सच बात कभी छुपाई नहीं जा सकती बहुत देर तक। कांग्रेस के लोग और दूसरे कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट लोग बात बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि देश बहुत पीछे चला गया। ये सर्वे साफ जाहिर करता है कि देश तरक्की के रास्ते पर है और जो डिसीजन ली गई है प्रधानमंत्री के द्वारा ये उचित और इस देश के लिए हित में था, ये सर्वे साफ साफ दर्शाता है। मूडीज कंपनी ने भी सर्वे किया और उसमें ये बताया कि फिनेंशियल रूप से जो खास करके नोटबंदी जीएसटी को लेकर के जिस ढंग से कन्फ्यूजन था, लेकिन उस हिसाब से देखा जा रहा है कि काफ़ी भारत सबल हुआ है और आज सुबह 400 से ऊपर शेयर भी ओपन हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक मोहर लगा है इस सरकार के कामों पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सकारात्मक कदम थी। सरकार और प्रधानमंत्री इसको समझते थे और जानते थे कि ये देश हित में है जो निर्णय लिया गया, आगे और इससे अच्छा परिणाम आने वाला है। ये तो शुरुआत है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे जो हम लोग इस वक्त उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू।